ट्रैफिक का क्या मसला हो रहा है ये तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप आधा घंटा खड़े हो जाइए और आप इसका वीडियो बनाते रहिए और कौन सा ट्रैफिक रुक रहा है, सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं राउंड अबाउट पे जैसा होता है। इंडिया गेट सर्किल दिल्ली कैपिटल का सबसे बड़ा जो है वो राउंड अबाउट है, उस पर जाम लग जाता है, तो क्या हम इंडिया गेट को और सारे उसको उठा के ख़त्म कर दें? यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं बढ़ा है, बल्कि राउंड अबाउट के अंदर मेट्रो का भी स्ट्रक्चर बन गया है। दैट मीन्स राउंड अबाउट इज गोइंग टू स्टे वेदर मास्क और नो मास्क। ये फैब्रिकेटेड इशू है जो क्रिएट किया जा रहा है, वरना आप बता दीजिए कहाँ गाड़ियाँ रुक रही हैं। अब आज की डेट में जो है सब अपने सारी मुल्क की हुकूमतें अपने अपने शहरियों को आराम पहुँचाना चाहती हैं, उनको दुख देना, उनके मन को उनके दिल को तोड़ना नहीं चाहती। हम भी यही उम्मीद करते हैं। एक जो प्रोसीजर है उस पर सवाल कर रहे हैं कि ये प्रोसीजर ही गलत है। इसी मस्जिद के मामले में जो हेरिंग थी उसमें जो फैसला आया है तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके अप्रीहेंशंस गलत हैं कि ऐसी तोड़ने वोड़ने का कोई इरादा नहीं है, और ये जज साहब के कमेंट्स हैं आप देख लीजिए, उसके अंदर फैसले की कॉपी आप देख सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत भी सभी के धर्मों की जगहों की हिफाजत करे, और रिमोशन किसी चीज़ का हल नहीं होता। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से NDMC की नोटिस जो आई है, का सर्वे करवा रहा है NDMC की इस मस्जिद को रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि ट्रैफिक का मसला हो रहा है? ट्रैफिक का क्या मसला हो रहा है ये तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप आधा घंटा खड़े हो जाइए और आप इसका वीडियो बनाते रहिए और कौन सा ट्रैफिक रुक रहा है, सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं राउंड अबाउट पर जैसा होता है। ये इशू रियल इशू नहीं है, ये फैब्रिकेटेड इशू है जो क्रिएट किया जा रहा है, वरना आप बता दीजिए कहाँ गाड़ियाँ रुक रही हैं। और आप भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, इससे ज़्यादा कई राउंड अबाउट्स ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल जाम रहता है, कभी कभी तो इंडिया गेट पर जाम हो जाता है। तो क्या इसका मतलब इंडिया गेट को तोड़ देंगे आप? अरे भाई, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जहाँ पर होते हैं, रिलीजियस मोनूमेंट्स जहाँ पर होते हैं, जिनकी एक हिस्टोरिकल एक वैल्यू होती है, तो वहाँ चीज़ें इस तरह से नहीं होती जिस तरह से लाई जा रही हैं। उनको तो प्रोटेक्ट किया जाता है और रास्ते निकाले जाते हैं प्रोटेक्शन के, ना कि इस तरह से लाकर पब्लिक में ला के खड़ा कर दिया उस इशू को, कि अखबारों में नोटिस दे दिया कि आप अपने सजेशंस उस पर दें। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं, और ये तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। 123 वाला जो स्टे चल रहा है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ का, ये उसमें शामिल है। तो ये इशू तो ऑलरेडी कोर्ट में था, तो फिर जब कोर्ट में था तो फिर इस तरह से लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो अलग से उसको लाने का क्या मतलब था? तो ये बात ज़रा सी समझ में ना आने वाली बात है। नहीं देखिए, हम तो प्रोसीजर से इख्तलाफ है हमें, हम किसी की नीयत पर सवाल नहीं कर रहे, और ना हम लोग इस तरह की बात करते, ना इस बात को करना अच्छा समझते, है ना। एक जो प्रोसीजर है उस पर सवाल कर रहे हैं कि ये प्रोसीजर ही गलत है। प्रॉपर तरीके से जो सही तरीका था उस पर आना चाहिए था, कोर्ट में केस चल रहा था, वहाँ NDMC को कोई शिकायत थी तो कोर्ट में कहते, वक्फ बोर्ड जो उसका केस लड़ रहा है वक्फ बोर्ड उसका जवाब देता, उसके लाल जवाब देते। तो ये चीज़ सही तरीके से बताया गया, जो कमेटी बनी है वो सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाई। नहीं नहीं, वक्फ बोर्ड का ने तो अभी आपने देखा होगा 8-10 दिन पहले जो इसी मस्जिद के मामले में जो हेरिंग थी उसमें जो फैसला आया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके अप्रीहेंशंस गलत हैं कि ऐसी तोड़ने वोड़ने का कोई इरादा नहीं है, और ये जज साहब के कमेंट्स हैं आप देख लीजिए, उसके अंदर फैसले की कॉपी आप देख सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड ने तो ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने बात अपनी अच्छे से नहीं रखी हो, वक्फ बोर्ड ने तो बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। क्या मसला है इस मेहरीबाग मस्जिद को नोटिस मिला? देखिए, NDMC ने एक नोटिस निकाला है जिसमें पब्लिक से राय मांगी गई है कि भाई ट्रैफिक में कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, और हम इस मस्जिद के ताल्लुक से हम क्या इसको हम यहाँ से क्या बेहतर रहेगा इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, जिससे ये गलत फहमी हो रही है कि जिस तरह से NDMC ने इससे पहले सामने मस्जिद के जो कुछ मज़ारात थे वो भी रात में तोड़ दिए थे, और भी मज़ारात वगैरह जो है वो तो लोगों ने उस पर ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया था, इसलिए कि मज़ारात बहरहाल जो है वो रास्तों में थे, लेकिन ये समझ करके कि भाई ठीक है, एक अगर किसी को रास्ते में परेशानी हो रही है और मज़ार है तो खबर का मामला है, लेकिन मस्जिद का मामला जो है वो बात मस्जिद पर आ गई है, और मस्जिद तो मस्जिद है जो है। हालांकि हम तो देश की उस संस्कृति को मानते हैं कि देश की किसी भी पुराने आदमी की, किसी भी पूर्वज की कोई समाधि है, कोई कब्र है, तो उसको तोड़ने अपने में एक अपमान होता है और एक गलत बात होती है, वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो है वो ये सुनहरी मस्जिद को जो है वो कुछ लोगों ने सरकार को जो है वो गलत मशवरा दिया है, जिसकी वजह से वो मस्जिद को ट्रैफिक का मसला समझते हैं। मस्जिद ट्रैफिक का कहीं कोई मसला नहीं है, ट्रैफिक तो ऑलरेडी पूरे मुल्क का मसला है, कैपिटल का मसला है,
इसको सब लोगों को इसका हल करने के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए और इसका सुझाव, इसका जो है वो सही सलूशन निकालना चाहिए। मस्जिद ट्रैफिक का मसला नहीं है, ना कानून और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ना सिक्योरिटी का मसला। कोई मस्जिद थी ना है ना रहेगी, बल्कि मस्जिद तो मुल्क में अमन अमान रहे, देशवासियों में आपस में इत्तेहाद रहे, मुल्क की एकता और अखंडता के लिए जितनी मस्जिदों में दुआ होती है उतनी शायद ही किसी और जगह दुआ होती हो। आप इस किसी भी मस्जिद के जुमे के खुतबे में या उसकी दुआ में ये आप कुछ सुन सकते हैं जाकर के जो है किस तरह से इमाम जो है देश की एकता अखंडता और इंसानियत के लिए दुआ करते हैं, चूँकि इंसानियत तो एक कुनबा है। और जब हम ये बात कह रहे हैं कि वन अर्थ और वन फ्यूचर और वन फैमिली, तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। सब किसी की दिल शिकनी ना हो, किसी की आस्था को, किसी की अकीदत और किसी की इबादत गाह को ठेस ना पहुँचे, हमें वो रास्ते ढूंढने चाहिए, उस पर हमें सुझाव मांगना चाहिए। किसी को जगह को रिमूव करना या किसी को जो है वो उसको उसके लिए बहाने ढूंढना, और जो सैकड़ों साल पुरानी जगह है अंग्रेज़ों ने भी जिसको जो है वो एज़ इट इज़ बाकी रखा और उसको छेड़छाड़ नहीं की, जबकि अंग्रेज़ बाहर के थे, उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो ये चाहते थे कि हिंदुस्तानी आपस में लड़ते रहें, लेकिन उन्होंने फिर भी इतना किया कि मजहबी चीज़ों को से छेड़छाड़ नहीं की और कोशिश की कि भाई ये किसी की आस्था और अकीदे का मसला है तो हम इसमें जो है वो इंटरफेयर कभी नहीं करेंगे, बल्कि वो एक कस्टोडियन की हैसियत से उसको जो है वो देखते रहे एक तरीके से और उसके मुहाफिज बने रहे। तो हम यही चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत भी सभी के धर्मों की जगहों की हिफाजत करे और उनको प्रोटेक्ट करे, उनको सम्मान दे, और कोई मसला है तो उसको मिल बैठ करके उसके सुझाव ले और उस हल करे। और रिमोशन किसी चीज़ का हल नहीं होता, उससे जो है गलतफहमी फैलती है देश के लोगों में के मन में जो है वो गलतफहमी पैदा होती है और उससे जो है वो एक उदासी छाती है, मायूसी फैलती है, और मायूसी जो है वो नाइंसाफ़ी के जज्बात को पैदा करती है और नाइंसाफ़ी के जज्बात और फिर इंसान को मायूस कर देते हैं, वो चीज़ें ठीक नहीं। डॉक्टर साहब, अभी हम इधर मस्जिद के बाहर ही हैं और यहाँ पे ट्रैफिक एकदम सुचारू रूप से चल रहा है, बल्कि वहाँ ना ये बनाया जा रहा है कि ट्रैफिक क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो रही है ट्रैफिक को, तो आपको क्या लगता है ट्रैफिक ही मुद्दा है या कुछ और जो वजह है? नहीं, ट्रैफिक कोई बड़ा मसला नहीं है, ट्रैफिक कोई बड़ा मसला नहीं है। ट्रैफिक तो देखिए, जब सारे ऑफिसेज़ के लोग निकलते हैं शाम को 4-5-6 बजे, हज़ारों लोग काम करते हैं सेंट्रल सिगरेट में, तो इंडिया गेट सर्किल दिल्ली कैपिटल का सबसे बड़ा जो है वो राउंड अबाउट है, उस पर जाम लग जाता है, तो क्या हम इंडिया गेट को और सारे उसको उठा के ख़त्म कर दें? ये कोई मसला थोड़ी है। मसला ये है कि हम उसके टाइमिंग ऑफिसेज के आगे पीछे थोड़ा सा करें, कहीं 4:30 करें, कहीं 5 करें, कहीं करके, जिस तरह से दूसरी कंट्रीज में होता है। नहीं नहीं, अब आज की डेट में जो है सब अपने सारी मुल्क की हुकूमतें अपने अपने शहरियों को आराम पहुँचाना चाहती हैं, उनको दुख देना, उनके मन को, उनके दिल को तोड़ना नहीं चाहती। हम भी यही उम्मीद करते हैं। क्या आपको मौलाना साहब NDMC के किसी ऑफिसर से बातचीत हुई है? नहीं, NDMC के देखिए ऑफिसर से पहले भी हम लोगों का जो है इंटरेक्शन रहा है, और अब लेकिन NDMC ऑफिसर्स तो खुद कुछ नहीं होते हैं, NDMC होम मिनिस्ट्री के अंडर में है और उसके चेयरमैन उसके जो है वो उसके अंडर में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आपके माध्यम से ये बात हमारी होम मिनिस्टर साहब को ही पहुँचेगी, NDMC चेयरमैन साहब को पहुँचेगी, और वो इस पर गौर करेंगे कि ये कोई एक मोहल्ले की एक कहीं की कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये एक इबादत गाह का, एक अजीम मस्जिद का, जिसकी एक हिस्ट्री है, सुनहरी बाग मस्जिद की मामला है, यहाँ से जो है वो हर एक मस्जिद यहाँ पर जो है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस से उसकी यादें वाबस्ता हैं, उसकी एक हिस्ट्री है, और जो है वो क्या मांग क्या है सरकार से आपकी? हमारी मांग यही है कि भाई मस्जिद को मस्जिद ही हमेशा जैसे रहनी, उसके बेहतर ऐसे ही रहने दिया जाए और उसको अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की जाए। अगर कोई कमी है, किसी चीज़ की कोई शिकायत है, तो वो मस्जिद के इमाम से, जो केयर टेकर है, उसके साथ बैठ करके उसको हल किया जा सकता है, और उसमें हम लोग सब कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। मस्जिद के सारे लोग जो हैं वो किसी भी मकामी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, किसी भी तरह के, चाहे वो 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या कोई VIP मूवमेंट हो, तो उसमें जितने भी VIP जगह की मसाजिद के आइम्मा हजरात हैं, जो केयर टेकर हैं, वो सब सपोर्ट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं हर तरह से, क्योंकि भाई हम सब एक देश के, एक हम सब, कोई मेहमान आ रहा है तो हम देश सबकी देश की हिफाजत सिक्योरिटी से सबसे वाबस्ता है, किसी पर्टिकुलर किसी मसलक से, किसी फिरके से, या किसी जो है वो
मजहब से वाबस्ता थोड़ी है, तो देश के सम्मान की इज्जत की बात है। इसको डिमोलाइज करने का नोटिस चिपकाया गया है, अखबारों में नोटिस डाले गए हैं, राय मांगी गई है, क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि नोटिस कुछ बहुत ज़्यादा वेल कंसीव नहीं लगता। इस केस का आई एम टोल्ड मुकदमा चल रहा था, लोग अप्रिहेंड कर रहे थे कि शायद इसको डिमोलिश कर दिया जाए, इसलिए लोग कोर्ट में गए थे। कोर्ट में वो केस डिस्पोज हो गया इस अंडरटेकिंग के बाद दोनों पार्टीज़ के एग्रीमेंट से कि भाई वो जो भी कार्रवाई करेंगे वो कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी हदों में करेंगे, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर अंदर जो भी काम करेंगे उससे बाहर जाके कोई डिमोलिशन नहीं होगा। लेकिन उस कोर्ट के इस डिस्पोजल के बाद 8 दिन के अंदर अंदर नोटिस का आ जाना, जिसमें ये कहा गया है कि ये रिमूव की जाएगी या रीअलोकेट की जाएगी या डिमोलिश की जाएगी और वेकुलर जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करने के लिए, तो वो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि वेकुलर ट्रैफिक को मैनेज करने के अल्टरनेटिव्स जो हैं वो क्या खोज लिए गए हैं? ये एक ही आखिरी अल्टरनेटिव बचा है। उसी नोटिस में ये कहना कि वी हैव, अगर ये कहते हैं कि वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑल पॉसिबल यू सी अल्टरनेटिव टू मैनेज द ट्रैफिक ऑन दिस राउंड अबाउट, तो बात समझ में आती थी। ये नहीं कहा गया, उसमें दोनों बातें कही गई हैं, वेकुलर अरेंजमेंट भी ठीक करना है और उसके साथ साथ मस्जिद को डिमोलिशन का, तो दोनों का लिंक करना, मतलब लग रहा है एज इफ नोटिस जो है वो कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए है, वही हमने कंसल्ट कर लिया है पब्लिक से। आप कह रहे कागजी कार्रवाई करने के लिए नोटिस है, लेकिन हमने देखा है कि कई बार कागजी कार्रवाई के बाद फिर मस्जिद डिमोलिश हुई है, दिल्ली में कई पुरानी मस्जिदों को शहीद किया गया है, क्या लगता है मतलब मस्जिद बच पाएगी? नहीं, हम तो क्या करें, बच पाएगी या नहीं, हमारी तो दुआएं हैं कि बची रहे। हमारा इमोशनल कनेक्ट है इस मास्क के साथ, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ आता रहा हूँ, इसलिए मेरी तो इच्छा और ख्वाहिश यही है कि बचे इसको। नहीं, ट्रैफिक को यहाँ पे मुद्दा बताया जा रहा है कि ट्रैफिक मतलब जाम रहता है, ट्रैफिक में यही दे ऐसा है, पब्लिक नोटिस में ये कहा गया था, लोग जो है एक ईमेल दिया गया था कि अपने कमेंट्स दें उस पर, तो मैंने अपने कमेंट्स भेजने हैं NDMC के आर्किटेक्ट को, लेकिन बजाय इसके कि मैं अपने घर बैठ के वो कमेंट्स भेज देता, मैंने कहा मैं देख के आऊँ, मैं 15 साल पहले यहाँ रहा करता था, अब क्या ऐसे चेंजेस आ गए जिसकी वजह से ये मस्जिद प्रॉब्लम बन गई है, कमेंट भेजने से पहले मैं देखना चाहता था, तो मैं इसलिए आया था और मैंने देखा कि कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं बढ़ा है, बल्कि राउंड अबाउट के अंदर मेट्रो का भी स्ट्रक्चर बन गया है, दैट मीन्स राउंड अबाउट इज गोइंग टू स्टे वेदर मास्क और नो मास्क। जब राउंड अबाउट स्टे करेगा तो फिर मस्जिद के अंदर, अगर उस राउंड अबाउट के अंदर अगर मस्जिद है तो क्या प्रॉब्लम है, और वो भी एक हिस्टोरिकल मस्जिद, एक हेरिटेज मस्जिद, उसको डिमोलिश करने के लिए क्या ज़रूरत है? और ऐसी मस्जिद जो ब्रिटिश 350 साल की हिस्ट्री है इसकी, और जो इवन यहाँ पे पूरी दिल्ली आबाद हुई, ये छोटी छोटी मस्जिदें हैं, उनको ब्रिटिशर्स तक ने नहीं इंटैक्ट रखा उसको, तो मेरे समझ में नहीं आया। मैंने कहा कमेंट्स में भेजूंगा अपने, लेकिन मैं देख के मैं इसलिए आया था। NDMC गृह मंत्रालय के अंदर में आती है, क्या मांग है आपकी सरकार से? नहीं, सरकार से मांग है कि इट शुड एक्सप्लोर अल्टरनेटिव, इट शुड अंडरटेक एक्सटेंसिव रिसर्च हाउ टू मैनेज ट्रैफिक हियर, द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट, सम आर्किटेक्चरल यू सी रोड मैनेजमेंट एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट एक्सपर्ट शुड बी कंसल्टेड हाउ टू मैनेज इफ एट ऑल देर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट हियर ओनली, प्रॉब्लम इज देयर इन ऑल द राउंड अबाउट्स इन न्यू दिल्ली, चाहे वो रफ़ी मार्ग का राउंड अबाउट हो, चाहे तुगलक रोड का राउंड अबाउट हो, चाहे ये जनपद का राउंड अबाउट, इस राउंड अबाउट के चारों तरफ राउंड अबाउट्स हैं और ट्रैफिक हर राउंड अबाउट में प्रॉब्लम कर रहा है। ये मस्जिद है राउंड अबाउट के अंदर, सड़क पर नहीं है जिसे हटाना ज़रूरी हो, और सड़क भी तो बाद में बनी ना, मस्जिद तो पहले से थी, और राउंड अबाउट उसका ख्याल करके ही यहाँ पे राउंड अबाउट किया गया है और मस्जिद को बीच में ले लिया गया, तो बीच में होने की वजह से, राउंड अबाउट के अंदर होने की वजह से ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रही है ट्रैफिक का। आप देख लीजिए ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है चारों तरफ, जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो फिर पब्लिक ओपिनियन इन्वाइट करने का क्या मसला आ गया? अगर किसी कुछ आवर्स में, पीक आवर्स में यहाँ कोई जैम लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो तो हर जगह आती है, एवरीवेयर इन दिल्ली, और यहाँ के चारों तरफ जो 4-5 राउंड अबाउट्स हैं उन सारे राउंड अबाउट्स में ये प्रॉब्लम है, तो उसका हल अगर ये निकाला जाए कि वो मास्क जो राउंड अबाउट के अंदर है उसी को रिमूव करा जाए, तो वो समझ में नहीं आता है, इट डजंट अपील टू द रैशनल, दिमाग में ये बात नहीं आती।